अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, अनिल कपूर और नाना पाटेकर की कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइज वेलकम सुपर हिट थी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद वेलकम टू भी बनाई गई थी, जिसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर साथ आए थे जॉन अब्राहम के। अब कुछ दिनों पहले वेलकम थ्री की अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म के तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार तो लौट आए, लेकिन अनिल कपूर और नाना पाटेकर इसमें से मिसिंग है। लगातार फिल्म के स्टार कास्ट से जुड़ी हुई जानकारी आती जा रही है। वहीं पर अब फिल्म में दो नए एक्टर की एंट्री होनी पक्की है। सुपरहिट फ्रेंचाइज वेलकम के डायरेक्टर फिल्म की तीसरी किस्त को लेकर वापस आ चुके हैं। टीम पूरी तैयार है वेलकम टू द जंगल के लिए। फिल्म में कई स्टार कलाकार नए नए एंटर हुए हैं, जिसमें से अक्षय कुमार, रवीना टंडन, जैकलीन, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी, परेश रावल और भी कई कलाकार हैं जो इस फिल्म में ऐड हुए हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने इस फिल्म में तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े को भी ले रखा है। श्रेयस और तुषार ने पिछले कई सालों में कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से सबसे हिट फ्रेंचाइज थी गोलमाल। गोलमाल 5 के लिए टीम बनाने से पहले श्रेयस और तुषार वेलकम टू द जंगल में फिर एक साथ आने को तैयार हैं। रूमर्स की माने तो फिल्म में उनकी शानदार भूमिका और गोलमाल फ्रेंचाइज की तरह इसमें भी दोनों एक्टरों के लिए दिलचस्प कहानी है। रूमर्स की माने तो वेलकम 3 फ्लोर्स पर जाने के लिए तैयार है। दिसंबर में ये मूवी रिलीज होगी। वेलकम 3 के बाद हेरा फेरी 4 और फिर एंड में आवारा पागल दीवाना 2 इस फ्रेंचाइज की पाइपलाइन में अभी भी है। अरशद वारसी का काम तो हम सबने देख रखा है। वेलकम टू द जंगल में अरशद वारसी की एंट्री होने से ये तो पक्का है कि हंसी के ठहाके तो लगने ही लगने, क्योंकि जो कॉमेडी टाइमिंग अरशद वारसी की है शायद ही किसी और कलाकार की हो। हाँ, लेकिन वेलकम टू द जंगल में नाना पाटेकर और अनिल कपूर की कमी तो खलेगी खलेगी। बिना उदय भाई और मजनू भाई के वेलकम बनाने में मेकर्स को परेशानी तो हुई होगी, लेकिन ऑडियंस इसको कैसे एक्सेप्ट करती है ये फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। वेलकम 3 में अक्षय कुमार की वापसी से अक्षय कुमार के फैंस काफी खुश हैं। संजय दत्त की एंट्री भी इस फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है, लेकिन उदय और मजनू जो इस फिल्म का पार्ट नहीं है ये इस फिल्म को नुकसान भी दे सकती है। ये हमें देखने को पता चलेगा 2024 में, जिसके लिए हमें बहुत वेट करना है। लेकिन जिनको कॉमेडी पसंद है उनके लिए एक गुड टू वॉच मूवी है। अगर बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।